पेशाब की थैली यानी ब्लैडर का कैंसर हमारी कंट्री के कॉमन कैंसर में से एक है। क्या आप जानते हैं ये उन कैंसर में से एक है जिनमें चार में से एक मरीज का स्टेज फोर में भी पक्का परमानेंट जड़ से इलाज किया जा सकता है? कैसे, जानने के लिए हमारा वीडियो देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूं। तो दोस्तों, ब्लैडर यानी पेशाब की थैली के कैंसर को कॉमनली पेशेंट पेशाब में खून आने या पेट में दर्द से डिटेक्ट करते हैं, और ये बहुत कॉमन सिनेरियो है कि पेशेंट ये कंप्लेंट लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और वो जब उसका स्कैन करते हैं तो पता चलता है कि बीमारी स्टेज फोर है। तो जब पेशेंट को ये न्यूज मिलती है वो अक्सर मायूस हो जाते हैं, उनको लगता है कि उनको एक लाइलाज बीमारी है और इनकी आगे लाइफ नहीं है। तो आज हम स्टेज फोर ब्लैडर कैंसर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि स्टेज फोर ब्लैडर कैंसर का मतलब क्या होता है, क्या स्टेज फोर ब्लैडर कैंसर में जड़ से इलाज संभव है, स्टेज फोर ब्लैडर कैंसर में इम्यूनोथेरेपी का रोल, स्टेज फोर ब्लैडर कैंसर में कीमोथेरेपी कैसे काम करती है, स्टेज फोर ब्लैडर कैंसर में टारगेटेड थेरेपी क्या होती है और कैसे यूज की जाती है, और स्टेज फोर ब्लैडर कैंसर का प्रोग्नोसिस यानी सर्वाइवल आज के एरा में कितना होता है। तो हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को डील करेंगे ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। तो दोस्तों, नंबर वन क्वेश्चन है कि स्टेज फोर ब्लैडर कैंसर का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, ब्लैडर कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो ब्लैडर की यानी पेशाब की थैली के लाइनिंग में अंदर से शुरू होता है और उसको पेनिट्रेट करके अंदर की तरफ ग्रेजुअली ग्रो करता है। तो कोई भी ब्लैडर का कैंसर जो ब्लैडर की दीवार के बाहर निकल गया है, फॉर एग्जाम्पल ब्लैडर के आसपास के लिम्फ नोड में चला गया है या डिस्टेंट ऑर्गन जैसे लिवर, बोन, लंग, ब्रेन इत्यादि में फैल गया है, उसको स्टेज फोर ब्लैडर कैंसर बोलते हैं। तो दोस्तों, इसका तात्पर्य है कि ये एक ऐसा कैंसर है जिसको सर्जरी या रेडिएशन से ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये फैल चुका है। तो इस कैंसर में वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शन यूज करनी पड़ती है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि क्या स्टेज फोर ब्लैडर कैंसर में जड़ से इलाज संभव है। तो दोस्तों, इसका आंसर है यस। स्टेज फोर ब्लैडर कैंसर उन रेयर कैंसर में से एक है जिसमें चौथे स्टेज में भी जड़ से पक्का परमानेंट इलाज पॉसिबल है। इनफैक्ट फिलहाल जो रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि लगभग चार में से एक आदमी के कैंसर का परमानेंट इलाज किया जा सकता है और ये नंबर ईयर बाय ईयर ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है। तो इस कैंसर का स्टेज फोर भी क्योर रेट ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है। तो ये कैसे संभव है? ये संभव है वेरियस नई कैंसर थेरेपीज से, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इन थेरेपीज में से सबसे इंपॉर्टेंट है कैंसर इम्यूनोथेरेपी। तो दोस्तों, कैंसर इम्यूनोथेरेपी क्या होती है? यदि आप डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारा कैंसर इम्यूनोथेरेपी वीडियो देख सकते हैं, परंतु ब्रीफ में यदि हम बोले तो ये कुछ दवाइयां और कुछ टेक्नोलॉजी है जो बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम को अलाउ करती है कि वो कैंसर सेल जिसको पहले रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा उसको रिकॉग्नाइज भी करे और मार भी दे। तो ये कुछ ऐसी दवाइयां है जो कैंसर सेल को इम्यून सिस्टम से बचने से रोकती है ताकि इम्यून सिस्टम कैंसर को एलिमिनेट कर सके। और ब्लैडर कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो इम्यून सिस्टम का और इम्यूनोथेरेपी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और वेरी ड्रामेटिक है। तो इम्यूनोथेरेपी के कई फायदे हैं और कई नुकसान है। इम्यूनोथेरेपी के सबसे इंपॉर्टेंट फायदा यह है कि एक बहुत ही माइल्ड ट्रीटमेंट होती है, इसमें बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते और ये एक नेचुरल तरीका है कैंसर को लड़ने का, जिससे लॉन्ग टर्म रिमिशन भी पॉसिबल है और साइड इफेक्ट भी कम होते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी से देखा गया है कि करीब 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जो बीमारी खत्म हो जाती है और कभी वापस नहीं आती, और यूजली साइड इफेक्ट यूजली इसके काफी माइल्ड होते हैं। परंतु एज ऑफ टुडे इस थेरेपी के कुछ नुकसान भी है, इसलिए ये हर पेशेंट में यूज नहीं की जाती। नंबर वन, इस थेरेपी का असर शुरू होने में 6 से 8 हफ्ते लगते हैं, इसलिए जिन पेशेंट की बहुत ही ग्रॉस यानी वाइड स्प्रेड बीमारी है जिनमें ऑर्गन पे दबाव से ऑर्गन फेलियर होने वाला है या पेशेंट की कंडीशन ज्यादा खराब है, उसमें इम्यूनोथेरेपी से ट्रीटमेंट यूजली नहीं शुरू किया जाता। रीजन ये है कि ऐसे पेशेंट्स में जब तक इम्यूनोथेरेपी का असर आएगा तब तक हो सकता है उनको कोई ऑर्गन फेलियर हो जाए या पेशेंट की डेथ हो जाए, इसलिए इन पेशेंट्स में जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे अन्य थेरेपी जैसे कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी का यूजेज ज्यादा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इम्यूनोथेरेपी आज की डेट में एक्सपेंसिव है और दूसरी थेरेपी जैसे कीमोथेरेपी से कई गुना रेट इम्यूनोथेरेपी का होता है। परंतु अच्छी चीज क्या है कि जैसे जैसे नई ड्रग्स और नई थेरेपीज मार्केट में आती जा रही है, इस थेरेपी का कॉस्ट कंटिन्यूसली रिड्यूस हो गया है और लास्ट 2 ईयर्स में इस थेरेपी का कॉस्ट रफली आधा हो गया है, और एक्सपेक्टेशन है कि 2021 के एंड तक नई थेरेपीज आ जाएगी जिससे इस थेरेपी का कॉस्ट फर्दर डिक्लाइन हो जाएगा। साथ ही जो पेशेंट इम्यूनोथेरेपी यूज करना चाहते हैं पर अफोर्डेबिलिटी कम है, उनके लिए हमारे पास इस थेरेपी की क्लिनिकल ट्रायल्स भी अवेलेबल है। नंबर 2 थेरेपी जो ब्लैडर कैंसर में यूज की जाती है उसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी।
तो कीमोथेरेपी दोस्तों कैंसर के इलाज का एक पुराना तरीका है, जिसमें मरीज को दवाइयां दी जाती है जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को मारते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज प्रोस्टेट सॉरी ब्लैडर कैंसर कीमोथेरेपी के बारे में ये है कि ये दूसरे कैंसर की कीमोथेरेपी से डिफरेंट है। व्हाई? नंबर वन, ब्लैडर कैंसर कीमोथेरेपी जनरली लाइट होती है और कन्वेंशनल साइड इफेक्ट जैसे हेयर लॉस इस कीमोथेरेपी में नहीं होते। मोस्ट पेशेंट को साइड इफेक्ट काफी माइल्ड होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ब्लैडर कैंसर कीमोथेरेपी के वो होते हैं कुछ पेशेंट्स को उल्टी की प्रॉब्लम होती है और बाकी कुछ पेशेंट्स में ब्लड काउंट्स और किडनी फंक्शन को केयरफुली मॉनिटर करना होता है और पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाना है, यानी फास्ट यानी क्लीन फूड एंड वाटर देना होता है। अदरवाइज ये थेरेपी काफी पेशेंट्स के लिए रिलेटिवली सेफ होती है। सेकेंड वे इन विच ब्लैडर कैंसर कीमोथेरेपी डिफरेंट फ्रॉम अदर कैंसर इज दैट ब्लैडर कैंसर में कीमोथेरेपी से बीमारी का जड़ से इलाज हो सकता है। आपने कई बार सुना होगा डॉक्टर को कहते हुए कि कीमोथेरेपी से बीमारी को रोक सकते हैं पर खत्म नहीं कर सकते, बट ये एक ऐसा कैंसर है जिसमें कीमोथेरेपी अपने आप बिना सर्जरी या रेडिएशन के बीमारी को खत्म कर सकती है और करीबन 20% मरीजों में कीमोथेरेपी अकेले से बीमारी का खात्मा किया जा सकता है। इसलिए ब्लैडर कैंसर में कीमोथेरेपी को बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट मॉडलिटी माना जाता है। थर्ड थेरेपी जिसकी हम बात करेंगे उसको बोलते हैं हम टारगेटेड थेरेपी। तो दोस्तों ब्लैडर कैंसर में टारगेटेड थेरेपी तीन तरह की यूज होती है। तो टारगेटेड थेरेपी से हमारा तात्पर्य है कुछ ऐसी दवाइयां जो कुछ ऐसे स्पेशल डिफरेंसेस या डिफरेंट जीन्स पे काम करें जो कैंसर सेल में एबनॉर्मल है और दूसरे सेल में नहीं है, ताकि बीमारी कंट्रोल हो विद मिनिमम साइड इफेक्ट्स। तो टारगेटेड थेरेपी ब्लैडर कैंसर में तीन तरह की जो यूज होती है वो है, नंबर वन एंटी एंजियोजेनिक मल्टी टारगेट टारगेटेड थेरेपी। तो इस थेरेपी से क्या तात्पर्य है, ये कुछ स्पेशल तरह की गोलियां होती है जो कैंसर के ब्लड सप्लाई को ब्लॉक करती है, यानी कैंसर को जो ग्रो करने के लिए बॉडी से इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई चाहिए होता है उसको ये दवाइयां कंप्लीटली ब्लॉक कर देती है। साथ ही जो कैंसर सेल के अंदर ग्रोथ पाथवे होते हैं जो एक सेल को ग्रो और मल्टीप्लाई करने को फोर्स करते हैं, ये उन पाथवेज को ब्लॉक कर देती है ताकि ट्यूमर सेल ग्रो और स्प्रेड ना हो सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट मोडालिटी है ब्लैडर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो कि हमारी कंट्री में भी अवेलेबल है और सिलेक्टेड पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर टू टारगेटेड थेरेपी जो ब्लैडर कैंसर में यूज की जाती है उसको बोलते हैं जीनोटाइप डायरेक्टेड टारगेटेड थेरेपी। तो जीनोटाइप डायरेक्टेड टारगेटेड थेरेपी का मतलब ये होता है कि प्रोस्टेट कैंसर सेल जो बायोप्सी में होता है उसको तोड़ के उसका डीएनए निकाल दिया जाता है और इस डीएनए की सीक्वेंसिंग करके हम पता कर लेते हैं कि कौन सी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी उस पर्टिकुलर पेशेंट में प्रेजेंट है, और जिन पेशेंट में पर्टिकुलर एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है उसके लिए एक पर्टिकुलर ड्रग अवेलेबल होता है जो सिर्फ उसी डीएनए एबनॉर्मलिटी को टारगेट करता है और सेल का ग्रोथ स्टॉप करता है। तो दोस्तों ये एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड टारगेटेड थेरेपी है जो एज ऑफ टुडे यानी जनवरी 2021 में इंडिया में अवेलेबल नहीं है, पर उम्मीद है कि ओवर टाइम ये और से रिलेटेड टारगेटेड थेरेपीज हमारी कंट्री में आ जाएगी और इनको पेशेंट में यूज किया जाएगा। परंतु वेस्टर्न कंट्रीज में थेरेपी ऑलरेडी अवेलेबल है, एफडीए अप्रूव्ड है और पेशेंट्स में सक्सेसफुली यूज की जाती है। नंबर थ्री टारगेटेड थेरेपी को हम बोलते हैं एंटी नेक्टिन 4 टारगेटेड थेरेपी। तो दोस्तों एंटी नेक्टिन 4 टारगेटेड थेरेपी एक स्पेशल तरह का ड्रग होता है जिसको एनफोर्टुमैब वुडोटिन बोलते हैं। तो दोस्तों ये एक स्पेशल तरह की ड्रग है जो एक स्पेशल तरह के प्रोटीन पे अटैच होती है जो कैंसर सेल में एक्सप्रेस होता है। तो ये ड्रग क्या करता है कि जो कैंसर सेल इस प्रोटीन को एक्सप्रेस करते हैं जो कि नॉर्मल सेल में एक्सप्रेस कम होते हैं या नहीं होते हैं, ये एंटीबॉडी जाके उस सेल से चिपक जाती है और उस पर एक जहर का मॉलिक्यूल अटैच होता है जो कि उस सेल के अंदर पुश कर दिया जाता है। ऐसे में क्या होता है कि कैंसर सेल की डेथ हो जाती है और पेशेंट का ट्यूमर कंट्रोल हो जाता है। चूंकि नॉर्मल सेल में नेक्टिन 4 की एक्सप्रेशन नहीं होती या कम होती है इसलिए नॉर्मल सेल्स पे इस एंटीबॉडी का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, जबकि कैंसर सेल जिसमें नेक्टिन 4 ओवर एक्सप्रेस होता है उसमें इस एंटीबॉडी के ज्यादा चिपकने से उन सेल्स की डेथ हो जाती है। तो ये एक तरह का सेलेक्टिव पॉइजन है जो कैंसर सेल्स को किल करता है पर नॉर्मल सेल्स को नहीं किल करता, और इसका रिजल्ट भी क्लिनिकल ट्रायल में बहुत अच्छा देखा गया है। अगेन ये एक ऐसा ड्रग है जो करेंटली इंडिया में अवेलेबल नहीं है, पर उम्मीद है कमिंग टाइम में कमिंग ईरा में ये ड्रग इंडिया में भी अवेलेबल होगा, हमारे पेशेंट भी इसका फायदा उठा पाएंगे। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन ये है कि ब्लैडर कैंसर में पेशेंट का एवरेज सर्वाइवल कितना होता है और लाइफ कितनी होती है। तो दोस्तों ब्लैडर कैंसर का सर्वाइवल एक रैपिडली इंक्रीजिंग डेटा पॉइंट है। यदि हम बस 2-3 साल पीछे जाएंगे तो ऐसा कहते रहे कि इस ब्लैडर कैंसर का एवरेज सर्वाइवल सिर्फ 8 महीने से 12 महीने था और ज्यादातर पेशेंट उसके बाद सकम कर जाते थे, परंतु आज की इरा में वेरियस टेक्नोलॉजीज और ट्रीटमेंट से बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। सबसे पहले जैसे हमने वीडियो के शुरू में बोला, यानी 1/4 पेशेंट्स में बीमारी का जड़ से परमानेंट
इलाज किया जा सकता है, और जो रिमेनिंग पेशेंट्स हैं उनमें एवरेज सर्वाइवल आज के टाइम में बढ़ के ऑन एवरेज 1.5 से 2 या उससे भी ज्यादा साल हो चुका है। और ये एक ऐसा नंबर है जो एज न्यू टेक्नोलॉजी न्यू ट्रीटमेंट्स कीप बिकमिंग अवेलेबल इन अ कंट्री, ये कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग नंबर है। तो मैं सारे स्टेज 4 ब्लैडर कैंसर पेशेंट पर बोलना चाहता हूं कि आप मायूस मत हो, बेस्ट ट्रीटमेंट से आप में से कुछ पेशेंट्स का जड़ से इलाज हो जाएगा, और जिनका जड़ से इलाज में नहीं हो सकता उनको एक बहुत ही लॉन्ग हेल्दी और अच्छी लाइफ हम दे सकते हैं, जिसमें उनके ना तो ज्यादा साइड इफेक्ट होंगे और ना बीमारी का ग्रोथ होगा, जिससे वो एक नॉर्मल हाई क्वालिटी लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और हमारे डिस्कस पॉइंट्स आपके काम आए। यदि इस वीडियो में कोई भी पॉइंट ऐसा था जो आपको समझ में नहीं आया या आप उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक से, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने रिपोर्ट भेज सकते हैं, और मैं खुद कोशिश करूंगा कि आपको अपना क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द मिले। दोस्तों हमारे चैनल का पर्पज है कि वर्ल्ड के लेटेस्ट मोस्ट मॉडर्न और इमीडिएट कैंसर ट्रीटमेंट्स हमारे कंट्री के पेशेंट्स को उनकी भाषा में मिले, ताकि वो भी अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ और सर्वाइवल इंप्रूव कर सके और इन न्यू ट्रीटमेंट्स को एक्सेस कर सके। जैसे हमने आज वीडियो में डिस्कस किया, बहुत ट्रीटमेंट्स ऐसी है जो अभी इंडिया में नहीं है, परंतु देखो जो ट्रीटमेंट आज बाहर के देशों में है वो 1 साल बाद हमारे पास होगी, तो जरूरी है कि हमारे पेशेंट्स को इन ट्रीटमेंट्स के बारे में पता हो, ताकि अपना लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट वो भी उस हिसाब से प्लान कर सके। कई ट्रीटमेंट जैसे इम्यूनोथेरेपी 2-3 साल पहले हमारी कंट्री में होते ही नहीं थे, परंतु आज ये ट्रीटमेंट्स हमारी कंट्री में इजीली अवेलेबल है। तो इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट्स लुक टू द फ्यूचर, क्योंकि कैंसर एक क्रॉनिक बीमारी है, और जो बीमारी कुछ टाइम पहले फेटल होती थी, आज के टाइम पे ऐसी बीमारी है कि बीमारी के साथ पेशेंट 2, 3, 5, 6, 8 कितने भी साल जी सकता है, तो फ्यूचर पर नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कैंसर का टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे जुड़े। साथ ही हमारे चैनल पर जो टाइम टू टाइम पॉल्स पोस्ट होते रहते हैं उनमें वोट करके अपने पसंदीदा वीडियो के टॉपिक को जरूर ऑप्ट करें, ताकि आपको हम आपके पसंद के वीडियोस दिखा सकें। तो थैंक्स अ लॉट, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।